डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में देखेंगे हम कि इस लेक्चर में अभी तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिटेल्स में पढ़ा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, कहाँ उसका एप्लीकेशन है, डी मेटल डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देखा, डिफरेंट ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल और हमारा स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। फिर उसका बहुत सारा एप्लीकेशन था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बेसिस पे या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बेसिस पे हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने कहा कि क्या है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो मेन उसका आर्ग्यूमेंट है कि द इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड्स आर प्योरली आयनिक। क्या है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताता है कि प्योरली आयनिक है, ठीक है। फर्स्ट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स आर प्योरली आयनिक। जो बॉन्डिंग कंसीडर करते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में वो प्योरली आयनिक कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कोवलेंसी की बात करता है, जब हम मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें वो कोवलेंसी का कोई जिक्र नहीं करता है कि इस बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड भी या कोवलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है। इसके बारे में हमारा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो जो कोवलेंसी पे जो कुछ बॉन्डिंग का जो कैरेक्टर डिपेंड करता है वो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। इट गिव्स नो अकाउंट ऑफ द पार्टली कोवलेंट नेचर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड्स, दस द इफेक्ट ऑफ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कोवलेंसी कैन नॉट बी एक्सप्लेनेड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और जो बॉन्डिंग है मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है उसमें जो कोवलेंट कैरेक्टर रहता है वो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन था, उसका कुछ ड्रॉबैक्स है। सेकेंड जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था इसमें हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, ठीक है। लिगेंड, कुछ लिगेंड्स हमारा वीक स्ट्रेंथ का था, कुछ लिगेंड्स हमारा स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ का था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन डाटा है कि कुछ हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ज्यादा कर रहा था, कुछ कम कर रहे थे, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उस सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज अनएबल टू अकाउंट सेटिस्फैक्टरली फॉर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। लिगेंड के स्ट्रेंथ को कि जो कि जो हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ लिगेंड टू आवर्स राइट था वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के थे, जो टू आवर्स लेफ्ट थे वो वीकली स्ट्रेंथ के थे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरली उस सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। ये भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक और लिमिटेशन रहा है। और जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन है वो है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल की बात जब हम करते हैं तो प्योरली मेटल की डी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। हमने देखा कहीं भी डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देख रहा था, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से हमारे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एंड एनर्जी आ रहा था। तो यहाँ पे जो मेटल के अदर ऑर्बिटल्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एस ऑर्बिटल्स है या पी ऑर्बिटल है जिसमें हमारे पास पी एक्स पी वाई पी जेड तीन ऑर्बिटल है, ठीक है, सब ऑर्बिटल्स है। तो उनके बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था। जब पी ऑर्बिटल्स नहीं दे रहे थे तो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल्स या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का भी कोई जिक्र नहीं आ रहा था, ठीक है। जो थर्ड जो लिमिटेशंस है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, तो इसमें क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर्स ओनली द मेटल आयन डी ऑर्बिटल। जो भी करेक्टर जो भी डिस्कस हमने अभी तक किया है वो मेटल के डी ऑर्बिटल के बेसिस पे किया है, ठीक है। तो उसमें हमारा बाकी ऑर्बिटल जिसमें हमारा एस ऑर्बिटल है, पी है, पी में पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल है, और जो लिगेंड के पाई ऑर्बिटल्स है उनके बारे में भी हमारा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहां तो एक तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का बिल्कुल जिक्र नहीं है, ठीक है।
पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का कोई जिक्र क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं करता है। जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है तो जो भी प्रॉपर्टीज है किसके रिलेटेड, रिलेटेड विथ पाई ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टीज है वो सब भी हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये तीन ड्रॉबैक्स था। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा कुछ कंपाउंड्स का, जब हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया तो वहां पे हमारा क्या था कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स का जब हमने स्टडी किया, जैसे कि हमने एनएमआर लिया, ठीक है, या एनक्यूआर लिया, ठीक है, तो या हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है निफ्लोजोटिक इफेक्ट देखा, वहां पे हमारा मेटल और लिगेंड के बीच में क्या कर रहा था, कोवेलेंट नेचर भी आ रहा था। ठीक है, कोवेलेंट नेचर भी प्रेजेंट था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्योरली आयनिक नहीं है, उसमें क्या है कुछ हमारा कोवेलेंट नेचर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो कुछ चीजें हमारा ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब हम देखेंगे कि कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जहां से हमें पता चलता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या रहता है, वो पार्टली कोवेलेंट भी रहता है। ठीक है, पार्टली कोवेलेंट भी रहता है, मीन इसमें क्या रहता है, करैक्टर जो है कोवेलेंट करैक्टर भी प्रेजेंट रहता है, कोवेलेंट करैक्टर भी क्या रहता है मेटल और लिगेंड के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो हम अब देखेंगे, डिस्कस करते हैं कि कुछ एविडेंस के बेसिस पे कि क्यों हमारे मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट करैक्टर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ लिमिटेशंस थे हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में कुछ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होता है या मेटल और लिगेंड के बीच में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग होता है। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो मेन एजम्पशन था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्योरली आयनिक है, वो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उससे डिसएग्री करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्लेक्स लाइक K2IRCl6 इरिडियम के कॉम्प्लेक्स की जब हमने ईपीआर स्पेक्ट्रा लिया, ठीक है, जब हमने K2IRCl6 और K2PtCl6 इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का जब हमने ईपीआर स्पेक्ट्रा लिया, ठीक है, ईपीआर स्पेक्ट्रा लिया, तो क्या हुआ। ठीक है, अगर हम ये बताते हैं कि इसमें कि जो ईपीआर स्पेक्ट्रा में क्या होगा, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन्स करते हैं, अपोजिट स्पिन्स है, +1/2 या -1/2। जब इन इलेक्ट्रॉन को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में डाल देते हैं, ठीक है, यहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एदर ये पैरेलल टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपने आप को अलाइन करेंगे या एंटी पैरेलल क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करेंगे। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे एदर द इलेक्ट्रॉन्स गेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इट विल अलाइन टू अलाइन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है इनमें क्या हो जाता है, डिफरेंस पैदा होता है। ठीक है, डिफरेंस पैदा होता है। ठीक, अब क्या होता है, अब जब ये ट्रांसेक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसेक्शन करता है तो क्या करेगा, हमें क्या करेगा, ईपीआर में एब्जॉर्प्शन बैंड आना चाहिए, एक इस तरह हमें क्या आना चाहिए, एक एब्जॉर्प्शन बैंड आना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है, इंटरैक्ट कब करेगा, जब हमारा मेटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करेगा तो इसमें क्या होता है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग आ जाता है, तब एक एब्जॉर्प्शन बैंड के बजाय हमें क्या मिलता है,
हाइपरफेन स्प्लिटिंग आ जाता है। इस तरह हमारा जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ओनली एक ही जगह पे एग्जिस्ट करता है, वो डिलोकलाइज नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक ही ओनली वन एब्जॉर्प्शन बैंड आना चाहिए, ठीक है, वन एब्जॉर्प्शन बैंड आना चाहिए। लेकिन जब हमने ऐसे कम्प्लेक्स का K2Ir इरिडियम कम्प्लेक्स या प्लेटिनियम क्लोर कम्प्लेक्स का जब हमने EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी लिया तो हमें एक एब्जॉर्प्शन बैंड के बजाय हमें क्या हुआ, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हुआ, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है। तो ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्यों होता है, क्योंकि जब ये मेटल और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या हो जाता है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर आ जाता है, बजाय कि एक ही सिंगल एब्जॉर्प्शन बैंड आता है, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ही जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता है। मींस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा तो क्या होगा, लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट होने से क्या हुआ, हमारे एक एब्जॉर्प्शन बैंड के बजाय हमारे पास हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हुआ, जो एब्जॉर्प्शन बैंड था वो डिफरेंट डिफरेंट पीक्स में स्प्लिट हुआ। तो यहां से EPR से हमें पता चलता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या नहीं होता है, इसमें हमें सम कोवेलेंसी और प्रेजेंट देयर, उसमें क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में हमारा कोवेलेंसी प्रेजेंट रहता है, प्योरली आयनिक नहीं रहता है, ठीक है, कि हमारा मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली आयनिक नहीं रहता है, देयरफॉर इसमें क्या होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंसी करैक्टर रहता है। तो यहां से पता चलता है कि जो हमारा मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये वाला एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिमिटेशंस को बताता है कि जो बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड दिस आर नॉट प्योरली क्या नहीं है, आयनिक नहीं है, ये क्या है, हमारे इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंसी रहता है, ठीक है। दूसरा, जब हम NMR स्टडी करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन NMR जब हम इन कुछ कॉम्प्लेक्स कर, जैसे कि KMnF3 KNIF3 इनका हम जब NMR स्टडी करता है, क्या करता है, हम NMR स्टडी करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें क्या हो जाता है हमारा कि इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन हमें यहां से पता चलता है। जब हम इनका फ्लोराइड NMR लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हमें पता चलता है, इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हमें इस फ्लोराइड NMR जब हम ऐसे कॉम्प्लेक्स करेंगे जैसे कि KMnF3 KNIF3 तो क्या रहता है, यहाँ पे हमें NMR से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन पता चलता है। और ये इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन कब होगा, जब हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, दोनों साइड पे इधर फ्लोरीन और हमारा मेटल दोनों पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए हमारे पास क्या आता है, इधर मेटल के पास आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन से हमें पता चलता है कि ये नेग्लिजिबल टाइम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मेटल पे आ जाता है, तो यहां से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है, फ्लोरीन टू मेटल एटम। तो यहां भी हमें क्या पता चलता है कि ये डिलोकलाइजेशन कब होगा, जब ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगा, ठीक है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगा। फ्लोरीन का कौन सा आइसोटोप आपको NMR एक्टिव होगा, ठीक है, 19 फ्लोरीन का आइसोटोप आपको क्या रहेगा, NMR एक्टिव रहेगा। तो यहां से भी पता चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन का वो मेटल पे ट्रांसफर हो रहा है थोड़ा टाइम के लिए, तो इट मीन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ प्योरली हमारा आयनिक नहीं है, ठीक है, डिलोकलाइजेशन of electrons exist, यहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन एग्जिस्ट रहता है, ठीक है। तो यहां से भी पता चलता है कि मेटल और जो हमारा लिगेंड के बीच में
ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और बॉन्डिंग में हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। थर्ड जो है हमारा न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल रेजोनेंस। जब हमने कुछ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जैसे कि PtX4 या इसमें हमारे रहेगा PtCl4 2- या PdCl4 2-, ऐसे स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जब हमने क्वाड्रोपोल रेजोनेंस मेजरमेंट किया तो यहां से हमें पता चला कि जो है मेटल और लिगेंड के बॉन्डिंग में हमें क्या होता है आयनिक कैरेक्टर जो कोवेलेंट कैरेक्टर बी प्रेजेंट कोवेलेंट कैरेक्टर बी इसमें क्या रहता है। जब हमने इनका न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रा हमने लिया तो हमें पता चला कि ऐसे स्क्वायर प्लेनर के बीच में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बीच में मेटल और लिगेंड के बीच में हमें क्या रहता है कोवेलेंसी रहता है कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। ठीक है। और जो फोर्थ है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा निफ्लोजोटिक इफेक्ट। वो हमारा क्या है निफ्लोजोटिक इफेक्ट। हमने देखा कि जो निफ्लोजोटिक इफेक्ट क्या हुआ कि जब हमने मेटल एक फ्री आयन मेटल में देखा ठीक है दूसरा हमने इसको क्या बनाया कॉम्प्लेक्स बनाया मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स बनाया तो हमने देखा कि फ्री मेटल आयन में क्या हुआ था हमारा जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था मींस हमने देखा रेका पैरामीटर ठीक है रेका पैरामीटर क्या बोला था हमने कि ये मेजरमेंट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करता है और सी से भी करता है ठीक है लेकिन ये ज्यादा नहीं रहता है बी सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है ठीक है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रेका पैरामीटर हमने कहा कि फ्री आयन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा रहता है जब हम इसको कॉम्प्लेक्सेशन करता है ठीक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है मेटल का तो उसमें क्या रहता है हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाता है रेका पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल बी और सी क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है। जब रेका पैरामीटर कम हो जाता है ठीक है तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स में रेका पैरामीटर क्यों कम होता है तो हमने यहां पे कहा कि जब मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्सेशन करता है ठीक है तो यहां क्या रहता है जब मेटल और लिगेंड का ऑर्बिटल डिफ्यूज होगा तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के लिए स्पेस ज्यादा रहेगा तो जितना स्पेस ज्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम रहेगा तो यहां से पता चलता है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कब होगा जब मेटल और हमारे लिगेंड के ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे मिक्सअप हो जाएंगे मीन्स यहाँ भी क्या है हमारा ये शो करता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है एक दूसरे का मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल क्या हो रहा है ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहा है मिक्सअप होने से क्या होगा हमारे इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए जगह ज्यादा मिलेगा तो जितना ज्यादा जगह मिलेगा उतना हमारा रेका पैरामीटर मीन्स इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो कम होता जाएगा ठीक है तो यहां से भी क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो मेटल और लिगेंड है उन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या नहीं है प्योरली आयनिक नहीं है। हाउएवर यहां पे क्या हो रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में ओवरलैप हो रहा है जो ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए जगह मिल रहा है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली आयनिक नहीं रहता है यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप होता है ऑर्बिटल ओवरलैप होने से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए स्पेस ज्यादा मिलता है तो वहां से क्या रहता है हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। तो ये दूसरा है अगर हम यूवी एब्जॉर्प्शन देखें तो हमारा क्या होता है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कलर रहता है वो ज्यादा रहता है ठीक है इस कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ से भी हमें आइडिया मिलता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक नहीं है कोवेलेंट भी प्रेजेंट रहता है। तो ये है ये कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि जो क्रिस्टल फिट थ्योरी की लिमिटेशंस को सपोर्ट करता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड रहता है वो ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से रहता है ठीक है ना कि सिर्फ
आयनिक इंट्रैक्शन जो हम जानते हैं, हमने मेटल को पॉजिटिव पॉइंट माना था और लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट में बना था, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता था कि ये जो इंट्रैक्शन है प्योरली आयनिक रहता है। तो ये कुछ हमारा क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिमिटेशंस है और ये कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि वो उस लिमिटेशन को सपोर्ट करता है कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ अजम्पशंस आए, कुछ चेंजिंग आए कि अब क्या करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन ये नहीं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरा गलत है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत से फेनोमेना को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हमने कहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहा, हमने कलर इन द कॉम्प्लेक्स कहा। ठीक है, तो हमारा जहां पे हम एक जगह ये देख रहे थे कि हमारे साइट सिलेक्शन और इन स्पाइनल्स, वो सब क्या कर रहे थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे थे। बिसाइड द नंबर ऑफ लिमिटेशंस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स मेनी कंसेप्ट इन ट्रांसेक्शन मेटल्स वेरी क्लियरली। अब उस ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने कोवेलेंसी के अजम्पशंस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने क्या किया, कुछ अजम्पशंस नया लाए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में न्यू अजम्पशंस लाए टू इंक्लूड वार्निंग। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने देखा कुछ ड्रॉबैक्स आया, तो क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लिटिल बिट मॉडिफाई करके उसमें हमने नए अजम्पशंस इंक्लूड किया, न्यू अजम्पशंस इंक्लूडेड टू इंक्लूड कोवेलेंसी इन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। अब जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग जो बनता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कुछ अजम्पशंस है कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली आयनिक नहीं है, हाउएवर इसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहां से जब पहले हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें क्या मिला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहला था। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें मिला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने कुछ अजम्पशंस लाए तो वहां हमें मिल गया लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो इस अजम्पशंस को इंक्लूड करने के बाद हमें यहां मिला लिगेंड फील्ड लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, कहां मिला, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अजम्पशन इंक्लूड किए ताकि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में कोवेलेंट कैरेक्टर को भी इंक्लूड कर सके, तो उसमें हमें क्या मिला, लिगेंड फील्ड थ्योरी मिला। जब ये लिगेंड फील्ड थ्योरी बराबर नहीं है, क्या हुआ, ट्रांसेक्शन हुआ बिटवीन लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड लास्ट में हमें क्या आया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लास्ट में हमें क्या मिला था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है वो हमारा ट्रांसेक्शन है बिटवीन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी। यहाँ पे क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पूरा चेंज नहीं किया, हाउएवर इसमें कुछ अजम्पशन इंक्लूड किए ताकि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग बने उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी हम इंक्लूड कर सके। वहां पे हमें क्या मिला, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी मिला ओवरऑल। लेकिन लास्ट में जब इसको कंप्लीटली कंप्लीट किया तो हमें क्या हुआ, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो प्रिंसिपल है वो एक जैसा है, जो लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का थ्योरी है, इन दोनों का प्रिंसिपल एक ही प्रिंसिपल पे बेसिस है कि क्या रहता है, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहता है। ठीक है, लिगेंड के पास एटॉमिक ऑर्बिटल, मेटल के पास अपना ऑर्बिटल है। ठीक है, लिगेंड के पास अपना ऑर्बिटल है, जब लिगेंड का सारा ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो एल जी ओ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं हमारा मेटल के ऑर्बिटल से। तो ये जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिगेंड और मेटल का मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर और लिगेंड सेल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है? सेम है, दोनों का एक ही प्रिंसिपल है, ठीक है। तो क्या होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये थ्योरी क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और लिगेंड सेल थ्योरी, कहते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो मिक्स अप हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा लिगेंड फील्ड थ्योरी है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इनका प्रिंसिपल्स क्या है, कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होता है और कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, उनकी प्रिंसिपल क्या है, वो किस चीज पे बेसिस है, मतलब कैसे जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ड्रॉबैक्स था वो हमारे लिगेंड फील्ड थ्योरी और फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसको ओवरकम करते हैं, ठीक है। जितने वहां पे लिमिटेशंस थे अब उनको ओवरकम करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इनका प्रिंसिपल एजम्पशन क्या है, कि वन और मोर ऑर्बिटल्स ऑन लिगेंड ओवरलैप विद वन और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल कॉल इट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होता है क्या है, ठीक है, हमारे यहाँ पे मेटल है, लिगेंड है, मेटल का कुछ ऑर्बिटल्स एड हो जाता है लिगेंड के कुछ ऑर्बिटल्स से, ठीक है। वन और मोर ऑर्बिटल्स, वन और मोर, यहाँ पे हम अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखेंगे, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन लिगेंड ओवरलैप विद वन और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब मेटल का और लिगेंड का ऑर्बिटल मिक्स अप हो जाता है तो क्या बन जाता है, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ओवरलैपिंग से होता है, एक का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनता है, ओवरलैप हो जाता है। तो हमें जितना हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐड होगा उतना हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाएंगे तो हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, अगर तीन मिल जाएंगे तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो क्या कहते हैं, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमने कहा है कि कंबाइन होता है उनमें क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिल सकता है। तो सबसे पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी रहना चाहिए, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो क्या होगा, जिस तरह हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात किया था तो वहां क्या बनता था, कि एक का एनर्जी बहुत ज्यादा एक का एनर्जी कम होगा तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या कहता है कि कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाएंगे जिनका एनर्जी लगभग क्या होगा, सिमिलर होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। दूसरा क्या होगा, ओवरलैपिंग के लिए ओरिएंटेशन का बराबर होना जरूरी है, ठीक है, ओरिएंटेशन बराबर रहना जरूरी है। और जो तीसरा है, सिमेट्री क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, डिसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जब हम यही प्रिंसिपल्स पे बाद में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, कैसे देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है, कौन सा एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो जाता है। थर्ड जो है कि क्या होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्टेड इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, वन इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड सेकंड इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हमें टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है, एक हमारा बॉन्डिंग मिलेगा जो कि क्या होगा, लोअर एनर्जी का होगा, दूसरा हमें क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे, इसी का आपका दूसरा सेट होगा
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यूजुअली इसको हम क्या कहते हैं, एक एस्ट्रिक्स हम इसको डिनोट करता है, क्या करता है, एस्ट्रिक्स से डिनोट करता है, ठीक है। और ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग की स्टेप क्या होंगे, या ये हमारा सिग्मा होंगे या ये हमारा पाई बॉन्डिंग होंगे, या तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेंगे या पाई बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जितना पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे उसका उतना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, या हमारा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे या हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जब हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐड हो जाएंगे तो हमें उसमें दो सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलेंगे, क्या मिलेंगे कि एक बॉन्डिंग सेट मिलेंगे जो कि लोअर इन एनर्जी होगा, और एक एंटी बॉन्डिंग सेट मिलेंगे जो कि हायर इन एनर्जी होगा, ठीक है। तो जितना अच्छे से ओवरलैप होगा उतना लोअर एनर्जी रहेगा दो ऑर्बिटल के बीच में, और जितना जो हमने यहाँ ओरिएंटेशन की बात किया है, ठीक है, तो जितना ओवरलैप अच्छे से नहीं होगा उतना एंटी बॉन्डिंग एनर्जी राइज हो जाएगा, ठीक है। जितना बॉन्डिंग का एनर्जी नीचे आएगा उतना एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ऊपर चलाएगा। अगर आपका सिग्मा यहाँ पे इतना एनर्जी आ रहा है, इसके बाद पाई ऑर्बिटल आ रहा है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग पाई और इसके ऊपर जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, व्हेन नो नेट इंटरेक्शन ऑकर्स द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अनअफेक्टेड एंड रिजल्टेड इनटू ए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे कि ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता कैसे। हमने कहा है कि जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे उनके लिए कुछ कंडीशंस है, एक तो सिमेट्रिक एनर्जी लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर रहना चाहिए, ऑरिएंटेशन एक जैसा रहना चाहिए और सिमेट्री एक जैसा रहना चाहिए। अगर इसमें से ऑर्बिटल्स के बीच में इसमें से जो कंडीशन है वो मैच अप नहीं होगा तो क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स उस टाइप के ऑर्बिटल्स कम में नहीं होंगे तो क्या रहेंगे, वो नॉन बॉन्डिंग टाइप रहेंगे, जिसे हम NB लिखते हैं, क्या रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है गा? ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिगेंड फील्ड थ्योरी। अब पता चला कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में और यहाँ पे फर्क क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता था कि जो लिगेंड और मेटल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली आयनिक है, वहां कोई मिक्सअप की बात नहीं करता था। लेकिन जब यहाँ आते क्या हो गया, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है कि जो ऑर्बिटल जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है कि लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप होगा तो क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या होगा, मिक्सअप हो जाएंगे, मूव कर सकते हैं। तो वहां पे क्या बन गया, कोवलेंट कैरेक्टर बन गया, वहां पे बॉन्ड क्या हो गया, कोवलेंट हो गया, जो कि हमारा क्या था, वहां पे लिमिटेशन था कि कौन से ऑर्बिटल्स क्या कहते थे कि कोवलेंसी का कोई बात नहीं करता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवलेंसी की बात हो रहा है। ये चार प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारे लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है उससे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो लिमिटेशन था वो क्या था कि वहां पे सिर्फ मेटल के डी ऑर्बिटल्स की बात होता था। अब यहां देखेंगे हम मेटल के एस ऑर्बिटल्स या पी ऑर्बिटल्स या उनके सिमेट्री के बारे में, और देखते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं और कौन सा ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग रहेगा और क्यों रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका बाद में क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसी के बेसिस पे बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले मेटल का, मेटल के पास हमारे कौन कौन सा ऑर्बिटल है और उनका सिमेट्री क्या है, ठीक है। मेटल ऑर्बिटल्स देखेंगे कि हम उसको एक मेटल के ऑर्बिटल्स हमारे पास एक क्या है, एस ऑर्बिटल, दूसरा है हमारा पी, ठीक है। जब हम क्रिस्टल की फील्ड की थ्योरी की बात करता था वो सिर्फ डी ऑर्बिटल के बात करता था। अब यहां पे सब पी में क्या होगा, पी एक्स एक होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, ठीक है।
डी में हमारे पास दो सेट होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और जो दूसरा सेट होगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो इनकी सिमेट्री क्या है? हमने कहा है कि जो आपका ऑर्बिटल का मिक्सअप होगा वो आपकी प्रॉपर सिमेट्री के बेसिस पे होगा। ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी तो वहां पे पता चलेगा कि सिमेट्री कैसे निकल जाता है। ठीक है, तो जब हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं तो ये एस जो ऑर्बिटल है वो किस सिमेट्री का होगा? ए वन जी के। ठीक है, ये आपका किसकी होगा? टी वन यू के। ये आपका क्या होगा? टी टू जी के। और ये आपका ई जी के। ठीक है, इनकी सिमेट्री की बात करता है। ठीक है, डबल डिजेनरेट, सिंगल डिजेनरेट, डबल डिजेनरेट, ये दोनों टीम है, ट्रिपल डिजेनरेट, ये डबल डिजेनरेट, ये सिंगल डिजेनरेट। ठीक है, डिजेनरेसी की अगर हम देखेंगे तो डिजेनरेसी इसका एक है, इसका तीन है, इसका तीन है, इसका दो है, इसमें दो ऑर्बिटल है, इसमें तीन है, इसमें तीन है, इसमें एक है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें से सिमेट्री बेसिस पे कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, कौन सा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे इसमें मेटल में। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की। इसके बाद लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, लिगेंड के ऑर्बिटल की बात होगा। तो यहां पे है एस, अगर हम देखें तो इसका शेप क्या है? स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल है, तो ये किसी भी ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकता है? जो अलोंग द एक्सिस है उसके साथ इंटरेक्ट हो सकता है। यहां पे क्या होगा? जब पी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करते हैं तो ये देखिए, ये पी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये पी एक्स वाई एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा, ये सब क्या हो रहा है? ऑन द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है, तो ये इसके साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे होगा? अगर ये एक्स है, ये वाई स्क्वायर है, इसका लोप होगा, ऐसे डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये क्या है? ऑन द एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन द एक्सिस पे हमारा ये ऑर्बिटल, इनकी सिमेट्री क्या होगा? एक जैसा होगा, तो ओवरलैप होगा। अब इसमें जो डी ऑर्बिटल में ये वाला सेट है, ये हमारा नॉन बॉन्डिंग रहेगा। क्या रहेगा? नॉन बॉन्डिंग रहेगा। जब अलोंग द एक्सिस होगा तो ये एस ऑर्बिटल आके यहाँ पे क्या करेगा? बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। किसकी केस में? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में और डी जेड स्क्वेयर में। जेड स्क्वेयर भी क्या है? अलोंग द एक्सिस है, तो वहां पे बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अब देखेंगे डी में जो ये तीन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, इनकी जब हमने डी ऑर्बिटल की स्पेशल, जो हमने स्पेशल अरेंजमेंट देखा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, यहाँ पे हो रहा था कि ये डी एक्स वाई और डी वाई जेड ऑर्बिटल इन बिटवीन द लोब्स आ रहे थे। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसकी डायरेक्शन क्या था? डी एक्स वाई की, वो इन बिटवीन द एक्सेस आ रहा था। ठीक है, इन बिटवीन द एक्सेस आ रहा था। और जो हमारा ऑर्बिटल, जो एज वन जी सिमेट्री का ऑर्बिटल है, वो कहाँ से आता है? अलोंग द एक्सेस से। यहां से वो क्या करता है? लिगेंड अप्रोच करता है। हमारा लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल क्या करता है? अलोंग द एक्सेस से अप्रोच करता है। तो क्या होगा कि ये ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सेस है। जब हमने डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की बात किया था, वो अलोंग द एक्सिस था, तो वो क्या कर रहा था? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जब डी एक्स वाई हुआ या डी और वाई जेड, वो भी क्या होगा? इन बिटवीन द एक्सिस होगा। डी जेड एक्स क्या होगा? इन बिटवीन द एक्सिस होगा। और जो लिगेंड का जो अप्रोच होगा वो कहां से होगा? अलोंग द एक्सिस होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, जो लोब्स है वो इन बिटवीन द एक्सिस और लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जब हम पहले की बात किया था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, वो क्या हो रहा था? एक्स स्क्वायर इधर आ रहा था, ठीक है, वाई स्क्वायर इधर जा रहा था, तो लिगेंड क्या है? अलोंग द एक्सिस आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स हमारे इन बिटवीन द एक्सिस, इनका लोप है, तो
इंटरेक्शन लिगेंड और डी मेटल के बीच में इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, ये जो तीनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है ट्रिपल डिजनेट टी टू जी है, ये हमारा नॉन बॉन्डिंग रहता है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये क्या रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हमने नहीं कहा कि जो ऑर्बिटल्स इंटरेक्शन नहीं देखा, नहीं इंटरेक्शन यहाँ पे ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन नहीं दिखाता है तो वो ऐसे ही नॉन बॉन्डिंग एज ए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में रहता है। ठीक है, तो लेकिन ये हमारा एस है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है। जब अलोंग द एक्सिस होगा तो क्या होगा, ये आराम से प्योरली एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मेटल की, जब हम क्रिस्टल फी थ्योरी की बात करता था तो हमारे सिर्फ इन दोनों सेट के बारे में हमने बात किया था, लेकिन अब हमारे एस ऑर्बिटल भी आ रहा है, पी ऑर्बिटल भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डी कौन सा ऑर्बिटल होगा, एन माइनस वन डी होगा, अगर फोर एस फोर पी होगा तो थ्री डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम एस ऑर्बिटल की भी बात करते हैं, पी ऑर्बिटल की भी बात करते हैं, डी ऑर्बिटल की भी बात करते हैं, जो कि हमारा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक और भी लिमिटेशंस था। ठीक है, अब पता चला कि इसमें से कौन सा ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे, कौन सा ऑर्बिटल नहीं करेंगे। अब देखेंगे हम मेटल के और लिगेंड के कौन सा सिमेट्रिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेटल और लिगेंड के कौन कौन से ऑर्बिटल, अभी हमने नहीं कहा ए वन जी सिमेट्री है, वन यू सिमेट्री है, यहाँ पे हमारा टी टू जी है, ई जी सिमेट्री है, कि कौन कौन सा ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होता है मेटल से, और लिगेंड से कौन सा ऑर्बिटल एक दूसरे का इंटरेक्ट होता है, इसमें इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।